गाइस वेलकम टू माय चैनल। और आज जो है मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। जी यस, इस वीडियो को करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि ये चैलेंज जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ेदार है, तो करना तो बनता है। और मैं इसे काफ़ी टाइम से देख रही हूँ। ये अगेन मतलब बाहर की कंट्रीज़ में जो है ये बहुत टाइम से चल रहा है, लाइक 5 मंथ 4 मंथ पहले ही ये जो चैलेंज चल रहा है, लेकिन इंडिया में जो है अभी बेसिकली मैं इसे देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक पे ये चल रहा है और काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में भी, और सोचा करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस चैलेंज को, तो चैलेंज करने की सोची है। तो आज मैं करूँगी अपना फुल डे, जैसे टाइटल में देख लिया होगा, आज फुल डे येलो मील मैं जो है अपना फुल डे जो है लेने वाली हूँ। लाइक जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच, डिनर, जो भी मैं फुल डे अपना जो भी मैं खाऊंगी या पीऊंगी वो सब येलो कलर का होगा, और फुल डे बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो आप भी इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये। हे गाइस, तो अभी जो हो रहे हैं मॉर्निंग के बज रहे हैं 9:30, और मैं जैसे कि आपने मेरी वीडियो का इंट्रो देखा, तो आज मैं वही चैलेंज जो है स्टार्ट करने वाली हूँ। आज मैं जो है अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं 9:30 और यही एक मेरा राइट टाइम रहता है ब्रेकफास्ट करने का, 9:30 या 10:30 के अराउंड, इनके बीच में जो है मैं ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लेती हूँ। तो जैसे कि मेरा जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा जो ये चैलेंज है ये है येलो फुल डे येलो मील करने का, तो मैंने इसमें लिया है ब्रेकफास्ट में पोहा जो कि येलो है, आप देख सकते हैं। एंड मैंने इस येलो बाउल में लिया है थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो आप देख सकते हैं मैंने लिया है यहाँ पे पोहा। एंड प्रॉपर येलो कोशिश करूँगी कि येलो हो प्रॉपर, लेकिन जो चीज़ येलो में काउंट होगी उसको मैं ज़रूर ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैंने लिया है ये मैंगो शेक जो कि येलो है। तो यहाँ पे जो है मैं कर लूँ ब्रेकफास्ट, तो स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट और अभी जो डे है कैसा जाता है, और कोशिश करूँगी कि पूरा येलो मील ही लूँ और साथ के साथ हेल्दी भी लूँ। ये दोनों का मेरा बहुत ज़्यादा हुआ है कि जैसे कि कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मुझे ये वीडियो करनी है, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि नहीं इंटरेस्टिंग सा और ड्रिंक में मेरे को लेकर आना है जो कि मेरी फेवरेट है, फ्रूटी या बोल सकते हैं अनाजा, तो वो लेकर आनी है। एंड आज मैंने वेयर किया है येलो ड्रेस, येलो टी शर्ट है ये विद ब्लैक जीन्स, तो येलो टी शर्ट मैंने पहन लिया है कि थंबनेल में भी अच्छा सा थोड़ा सा लुक आ जाएगा। एंड थोड़ा सा येलो जब फील कर ही रहा है तो येलो कपड़े ही पहन के थोड़ा सा फील ले लेते हैं। तो अभी बस चलते हैं बिग बाज़ार, फिर देखते हैं क्या क्या सामान जो है मैं वहाँ से लेकर आती हूँ। तो चलिए, तो मैं अभी बिग बाज़ार से और ये लेकर आई हूँ मैं सामान, आपको दिखाऊँगी। ये सब येलो है इसके अंदर। अभी बज रहे हैं 1:45, लंच मेरा अभी 2:30 बजे के आसपास होगा, मुझे लग रही है भूख। अभी देखते हैं हम छोटा सा ऐसे ऐसा कुछ स्नैक्स के तौर पर क्या खाती हूँ, फिर आपको चलिए। अभी आई हूँ बाहर से, जैसे कि आप लोगों को पता है, तो अभी मैं खाने वाली हूँ क्योंकि लग रही है कुछ भूख बहुत ज़्यादा वाली नहीं लग रही, क्योंकि मुझे 2:30 बजे के आसपास जो है लंच भी करना है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ मसाला ट्विस्ट कुरकुरे वाला। मुझे ना इसके मतलब कंपेयर में कुछ येलो ऐसा दिखा नहीं, लेस दिख रहा था बट वो ग्रीन था, उसका पैकेट जो था वो ग्रीन था एंड रेड टमाटो वाला था। तो मुझे चाहिए था कुछ ऐसा जिसका कवर भी येलो, और मैं उस टाइम ढूंढ रही थी जो सॉल्ट वाला होता है ना, सॉल्ट येलो कलर का होता है, बट उस टाइम वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था तो मैंने वो नहीं लिया।
तो मुझे ये लेना पड़ा। बट मैं ये इतना शौक से नहीं खाती हूँ। मुझे कुरकुरे अगर पसंद भी है तो वो जो पॉपकॉर्न स्टाइल में आता है ना, वो वाला पसंद है। ये वाला इतना पसंद नहीं है, फिर भी ट्राई करते हैं। एंड इसके साथ मैं लूँगी ड्रिंक के तौर पर ये फ्रूटी, तो ये भी ट्राई करते हैं। ये तो खैर मेरी फेवरेट है, तो मैं इसे अच्छे से इंजॉय कर सकती हूँ। हम इसको इंजॉय करते हैं। और मैं कहूँगी आज लंच जो है मैं ऑलमोस्ट दो बजे के आसपास कर लेती हूँ। बट अभी मैंने जो है खाना बनाने के लिए रखा है, अब वो क्या रखा है मैं आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा अभी आपको। तो चलिए इसको इतने मैं खा लेती हूँ। यस, मेरे को ना डाउट था कि रेड ना निकले, बट ये येलो कलर का ही है, आप देख सकते हैं। मैं ही पहले टेस्ट कर चुकी थी, मुझे इतना अच्छा नहीं, मतलब इतना अच्छा, मतलब जो येलो वाला ग्रीन वाला आता है अगर आपने खाया होगा पॉपकॉर्न वाला, तो वो ज़्यादा टेस्ट रखता है कुरकुरे में। वैसे मैं कुरकुरे नहीं खाती हूँ, लेकिन आज खाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर फ्रूट इंजॉय करूँ। ये येलो होती है सबको पता ही है। एंड मैं आपको बता दूँ कि मैं इतना, एक तो मैं बिग बाज़ार चली गई थी, तो मुझे वहाँ पर टाइम लग गया, आधा घंटा मुझे वहाँ पर लग गया। प्लस जैसे मैंने जो ब्रेकफास्ट किया था बहुत हैवी किया था, लाइक जैसे पोहा एंड मैंगो शेक, तो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। मैंगो शेक गया बहुत ज़्यादा हैवी था, एक गिलास मान लो दूध, उसके अंदर मिल्क था और प्लस मैंगो था, तो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। तो मुझे अभी भी इतनी बहुत ज़्यादा भूख नहीं है, लेकिन मेरा लंच का टाइम जो है और ब्रेकफास्ट का टाइम जो उसके बीच का टाइम है 12 बजे थे, मुझे उस टाइम पर भूख लग जाती है, लेकिन आज नहीं लग रही क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट जो है बहुत हैवी हो गया था इस वजह से। तो मुझे थोड़ी बहुत सी भूख लग रही है, तो मैंने सोचा यही लेने में ज़्यादा बेस्ट है, इसलिए मैंने यही जो है चूज़ किया। तो इन्जॉय करते हैं। डन हो गया मेरा, और फ्रूट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। फ्रूट ऑलमोस्ट कंप्लीट है मेरी, तो अभी जो है थोड़ा रेस्ट करेंगे। रेस्ट मतलब मुझे अपनी एक वीडियो एडिट करनी है, वो करूँगी, प्लस साथ के साथ एक वीडियो शूट भी करनी है, वो करूँगी। तो एक घंटे सवा घंटे के अंदर मेरे दोनों काम कंप्लीट हो जाएंगे। बाद हम करेंगे अपना लंच। लंच में देखते हैं आज क्या स्पेशल हो रहा है। और वैसे मैंने बनाने के लिए रख दिया है, तो अभी मैं नहीं बताऊँगी, थोड़ी देर बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं जो है लंच में क्या कर रही हूँ। मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूँगी कि येलो के साथ साथ हेल्दी ब्रेक हेल्दी फूड जो है लूँ, क्योंकि येलो बहुत ही चीज़ें मतलब अवेलेबल हो जाती हैं घर में भी बहुत आराम से और मार्केट में भी। तो कुछ चीज़ों में हमें जो है प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम उसके ऑप्शन में हमें बहुत सारी चीज़ें जो अवेलेबल हो जाती हैं। तो घर में भी येलो कलर की चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल है लंच के पर्पज़ से या डिनर के पर्पज़ से भी। तो अभी जो है बस हम लंच की तैयारी करते हैं, और इतने में लंच जो है रेडी कर लें रखूँगी, रेडी होगा इतने में अपना वीडियो शूट कर लूँगी। फिर मिलती हूँ मैं आपको लंच के टाइम में। तब तक के लिए कनेक्ट रहिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा प्लीज़। तो हेलो गाइस, और अभी जो है लंच का टाइम हो रहा है, मैंने लंच जो है रेडी कर लिया था, और अभी बज रहे हैं 2:45 का टाइम होने वाला है। 3 बजे मतलब मैं स्टार्ट करूँगी। तो मैंने बनाया है यहाँ पे दाल चावल। जी यस, तो दाल चावल अगर मैं अलग अलग लेती तो वो वाइट एंड येलो का मिक्सचर होता, बट मैंने इसे ना ऐसे मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं। तो मिक्स करने के बाद जो है मैंने इसे येलो कलर का क्रिएट कर लिया है। मैंने इसमें हल्दी ज़्यादा डाल दी जिससे कि येलो कलर अच्छे से आए। यहाँ पे दाल चावल ही ले रही हूँ बस, अचार और मिर्च प्याज कुछ नहीं ले रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ें मैं इसमें ऐड नहीं करना चाहती हूँ। एंड सच बताऊँ ना, आज बिल्कुल भी दाल चावल खाने का मन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। वैसे हमेशा दाल चावल खाने का क्रेज़ रहता है, लेकिन आज बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा हैवी हो गया आज खाना। मतलब मैंने मॉर्निंग में इतना हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया,
सेकंड मैंने दिन में अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने मैंगो फ्रूटी और स्नैक्स वो ले लिया था, वो थोड़ा सा फिर हैवी हो गया था, लेकिन खाना था क्योंकि टाइम निकलता जाएगा तो फुल डे मील नहीं हो पाएगा मेरा अगर मैं टाइम स्किप करूँगी। वैसे मेरा जो लंच का टाइम है वो रहता है 2:30 बजे के आसपास, लेकिन अभी भी 3 बजने वाले हैं जस्ट, तो अभी जो है मैं यहाँ पे ये लंच कर लेती हूँ अपना, फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और उतना ही लिया था जितना मुझे खाना था। अभी जो है बस थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मील हो गया है। मैं इतना मील इतनी जल्दी जल्दी नहीं लेती हूँ, बहुत लाइट लाइट सा खाती हूँ तो मेरे को अभी बहुत ज़्यादा फुल लग रहा है। लेकिन देखते हैं थोड़ी देर बाद क्या लेती हूँ, क्या लाइक 4-5 बजे के बीच में मैं क्या लेना पसंद करती हूँ वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मेरा फुल पेट भर चुका है तो मैं थोड़ा सा जो है एडिटिंग के लिए जा रही हूँ क्योंकि वीडियो मैंने शूट कर दी है और अब मैं जा रही हूँ एडिटिंग के लिए, तो वही उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ गाइस। मुझे लग रही है प्यास बहुत ज़्यादा वाली, तो क्या लेने वाली हूँ मैं पानी में। मैंने इसे बताया मैंने अभी तक सच में पानी नहीं पिया है क्योंकि मैंने कहा था जो भी पीऊँगी जो भी खाऊँगी मैं येलो ही खाऊँगी, बट अभी जो है मेरे को बहुत ज़्यादा ना प्यास लग रही है। और अभी क्योंकि एडिटिंग करते करते हो ही जाता है थोड़ा सा माइंड वो, तो अभी जो है मैं यहाँ पे अगेन एक फ्रूटी ले रही हूँ, तो इसको जो है मैं फ्रूटी की जगह पानी की जगह जो है मैं इसको ड्रिंक कर रही हूँ अभी। एंड ये मेरा सेकंड है अभी, और तो देखते हैं कि पूरी जगह बहुत ज़्यादा ना मीठा हो गया है मतलब मैंने, तो अभी जो है मैं इसको पी लेती हूँ पानी की जगह। ख़त्म कर लिया अपना, एंड लगती रहती है जब आप काम कर रहे होते हो तो उस दौरान आपको प्यास भूख थोड़ी बहुत ऐसी बहुत ज़्यादा भूख मतलब पेट भरने वाली भूख नहीं लगती है। अगेन तो अभी बज रहे हैं 5:30, 5:30 बज रहे हैं और क्या खाएं स्नैक्स में कुछ समझ नहीं आ रहा है। पकोड़े सोचे थे बनाने के लिए कि बारिश का मौसम है थोड़ा सा, तो सोचा था कि पकोड़े और चाय तो नहीं ले पाऊँगी, तो मैं सोचा कि पकोड़े बनाऊँगी लाइक जैसे ब्रेड पकोड़ा, बट यार सडनली बारिश बंद हो गई और अब मेरा बिल्कुल मन नहीं है पकोड़े बनाने का। तो मैंने एक उसके लिए एक ऑप्शन निकाला है, वो है मैंने लिया है ये एक बिस्किट एंड ये ड्रिंक जो कि है पतंजलि की, तो ये मैं अभी जो है यहाँ पर लूँगी। और तो ये थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाएगा एंड मैं यहाँ पे जो अपना काम कर रही हूँ रिटर्न वर्क, क्योंकि मुझे कुछ वीडियो से रिलेटेड ऐसा कुछ वो करना पड़ता है प्लानिंग वगैरह की, तो मैंने सोचा काम करते करते जो है मैं यहाँ पे कुछ बिस्किट्स लेती हूँ एंड ये ड्रिंक अगेन पानी की जगह कॉफ़ी की जगह चाय की जगह जो भी आप बोल सकते हैं। पतंजलि का जो ये मैंगो फ्लेवर है ना ये फ्रूटी से थोड़ा अलग है, फ्रूटी का ज़्यादा टेस्टी लगता है मैंगो माजा वगैरह का।
स्नैक्स कंप्लीट एंड सीरियसली बताऊँ, मैंने अब मेरा प्लान था कि मैं या तो फ्रेंच फ्राइज लेने वाली हूँ या फिर मैं लेने वाली हूँ ब्रेड पकौड़ा कुछ ऐसे स्टाइल में, बट सीरियसली बताओ ब्रेड पकौड़ा बनाने का बिल्कुल मन नहीं हुआ मेरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता और बाहर मौसम भी चेंज हो गया है। पहले तो बारिश जैसा मौसम हो रहा था लेकिन सडनली चेंज हो गया मौसम, एंड फिर मैंने सोचा कि मेरे को जो है डिनर भी करना है और फिर डिनर में बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो इसलिए जो है मैंने स्किप कर दिया वो। और यहाँ पर मैंने ले लिया एक एल्विसा बिस्किट जो कि येलो में भी आता है थोड़ा थोड़ा, तो मैंने जो है थोड़ा सा यहाँ पे अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ। मेरा जो डिनर का टाइम है वो 8 से 8:30 के बीच में मैं जो है डिनर अपना कंप्लीट कर लेती हूँ प्रॉपर तरीके से। अगर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है कभी कभार तो मेरा 9 का टाइम रहता है, तो मैं मतलब 8 से 9 के बीच में मेरा मस्ट है कि मुझे लंच मेरा मस्ट है कि मुझे डिनर जो है लेना ही लेना है। तो अब जो है मैं यहाँ पे जा रही हूँ तैयारी करने के लिए, उसके बाद डायरेक्ट आपसे मिलूँगी डिनर पे और देखते हैं ये डिनर का क्या प्लान चलता है हमारा। दाल वाली मैं दाल सब्जी रोटी अभी इसमें नहीं लूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैं फुल डे जो है खाए जा रही हूँ। एंड सच मी गाइस, ट्रस्ट मी कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करती हो या बहुत ज़्यादा आपको पसंद होती है वो चीज़, बट आप उसकी जो एक कंज्यूम से आप अच्छे से कर लेते हो बहुत ज़्यादा में, तो आपकी तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है ना। तो आप सीरियसली बताऊँ मेरे को ये जो फ्रूटी मतलब आप चीज ये ले लो या मैंगो का जो भी मुझे फ्रूटी टाइप से जो भी बन होता था मार्केट में मुझे वो बहुत पसंद था, एंड सडनली आज मेरा इतना मन हट गया ना कि मैं अब नहीं पी रही क्योंकि मैं पानी की जगह यही पी रही हूँ एंड बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि पानी जो प्यास आती है पानी बुझा सकती है वो ये ड्रिंक्स नहीं बुझा सकती हैं, और मुँह में ना मीठा मीठा फील हो जाता है। तो इसीलिए जो है मैंने अब सीरियसली 15-20 दिन तक तो मैं इसे नहीं पीने वाली। तो जो कि है मसाला ओट्स लेमन ट्विस्ट में, एंड ट्रस्ट भी मैं ओट्स नहीं खाती हूँ बिल्कुल भी, मुझे ओट्स का फ्लेवर ओट्स आई नो कि बहुत हेल्दी होते हैं बट मुझे इतना पसंद नहीं है, अपना अपना टेस्ट और चॉइस है, तो मुझे ओट्स नहीं पसंद है, मैं बहुत कम खाती हूँ ओट्स, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था तो मैं यही अभी जो है इसको खाऊंगी। क्योंकि अब बात है कि अगर हम डिनर में प्रॉपर मील लेती हूँ दाल वगैरह तो वो सिर्फ येलो सिर्फ दाल ही होगी और कोई सब्जी मैंने नहीं समझ आ रही मेरे को, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ लाल मिर्च और भी चीज़ें जो हैं ऐड होती हैं, तो मैंने सोचा यही एक बेस्ट ऑप्शन है, तो अभी जो है इसको हम बनाते हैं। चलिए अभी जो है फाइनली डिनर का टाइम है और मैंने डिनर जो है अपने लिए ही बना लिया है, हस्बैंड के लिए भी रेडी करके रख दिया है, हस्बैंड आए नहीं अभी, आज लेट होगा उन्हें आने में। तो यहाँ पे जो है मैंने बनाए जैसे मैंने आपको बताया था ओट्स येलो है आप देख सकते हैं ठीक है, एंड क्योंकि मैंने जैसे बताया मुझे ओट्स इतना पसंद नहीं है तो मैंने साथ में इसके ये लिया है जिसे हम बोलते हैं मुरमुरे है ना, तो जानते हो गए आप, एक मैं दिखा देती हूँ। तो ये जो है मुरमुरे हैं और इसे मैंने क्या किया है, इसे मैंने हल्दी में हल्का सा फ्राई कर लिया है और जो मेरे घर में जो मिक्सचर थी मैंने उसको भी इसके अंदर ऐड कर दिया है, तो थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए नमक और हल्दी डाली बस मैंने इसके अंदर। तो यहाँ पे जो मैं अपना डिनर कंप्लीट कर लेती हूँ और साथ में मैंने भी कोई ड्रिंक्स वगैरह या नहीं लिया है क्योंकि मैं वैसे भी डिनर के टाइम में पानी नहीं पीती हूँ तो मुझे इतना वो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मुझे उसके बाद प्यास लगेगी तो मैं ज़रूर फ्रूटी वगैरह या कुछ ऐसा ले लूँगी। तो अभी जो है मैं यहाँ पर डिनर कम्प्लीट करती हूँ आपके साथ, थोड़ा सा गर्म है अभी। अगर किसी ने ये वाला ओट्स ट्राई किया तो मुझे कमेंट करके बताना कि इसका टेस्ट कैसा है, तो मैं
आप समझ सकते हैं जिसको ओट्स बिल्कुल पसंद नहीं है वो ये वाला ऐसा टेस्ट आ रहा है इसमें जैसे हम वो खा रहे हैं। इसके अंदर साउथ इंडियन कुछ तड़का लग रहा है क्योंकि इसके अंदर ये है जो हम पोहा वगैरह में और सांभर वगैरह में डालते हैं, तो कुछ उसी तरीके का है ये। वैसे कुछ लग रहा है सांभर है जैसे मैं सांभर खा रही हूँ, बट ऐसा मेरे को कुछ टेस्ट आ रहा है। तो अगर आपने ये लेमन वाला सफोला का यूज मसाला उस ट्राई किया तो कमेंट करके जरूर बताना कैसा टेस्ट है इसका। इसके अंदर थोड़ी सी चने की दाल भी ऐड है एंड मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं सांभर खा रही हूँ या कुछ ऐसा जैसे उपमा वगैरह होता है ना कुछ उस तरीके का मैं खा रही हूँ ऐसा फील आ रहा है इसमें, क्योंकि वेजेस वगैरह भी है इसके अंदर। प्लस अभी डिनर भी जो है मेरा हेल्दी हो गया, तो आज का दिन फुल डे येलो था और फुल डे जो फूड था वो येलो कलर था, साथ के साथ हेल्दी भी था। तो काफ़ी मज़ा भी आया इसको करने में और बहुत इजी भी लगा, ऐसा कुछ टफ नहीं लगा कि मुझे सच बताओ तो। बस जब मैं मॉल गई थी तब मुझे थोड़ा सर्च करने में टाइम लगा था कि मुझे क्या लेना है, क्योंकि एकदम सडनली पैकेट आपको पैकेट बहुत येलो मिल जाएंगे लेकिन उसके अंदर क्या निकलेगा वो, जैसे मैंने अभी उससे पहले 5 बजे वो 12 बजे का कुछ मैंने स्नैक्स खाया था वो टोस्ट वाला, वो मुझे ना डाउट था कि उसके अंदर रेड ना हो कलर, बट नहीं येलो ही निकला तो वो थोड़ा अच्छा लगा। तो अब जो है ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे अब मेरे को कुछ नहीं खाना है, मैं मेरा जो है डिनर डन हो गया है और अब मेरे को अभी ऐसा कुछ प्यास या ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। थोड़ी देर बाद जो भी अगर मुझे प्यास लगेगी तो मैं वही माज़ा मेरी एक जो है बची है मैं उसे कम्प्लीट कर लूँगी एंड बस। तो मैं यहाँ पे जो अपना डे कंप्लीट किया है मैंने, कैसा लगा आपको ये चैलेंज मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और नेक्स्ट चैलेंज आप किस कलर पे या क्या देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो कमेंट अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। एंड अभी जो है बस मैं यहाँ पे ये डे और ये वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।